प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में दो बातें कही, एक तो स्टेटहुड की बात की और दूसरा असेंबली इलेक्शन की बात की। बड़ी हैरानी की बात है ये, मतलब ये कोई ऑब्लिगेशन, कोई एहसान नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को। पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप हमें महरूम क्यों रखा गया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने से, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये कोई हम पे एहसान नहीं है। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, वो हमारी डिमांड नहीं है, वो हमारी तजलील की गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है जिस प्रोसीजर के तहत आपने एक फुल फ्लेज स्टेट को डाउनग्रेड किया यूनियन टेरिटरी में। आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा सलूक, ऐसा बर्ताव आपने क्यों किया।